ये गैंडे का बच्चा हमारा सबसे बड़ा रेस्क्यू अब की बार का। मुझे पहले देख के इसको लगा कि दरात मारी है किसने, पर ज्योति कुछ और ही कहानी बता रही है। इसे बड़ी फिल्मी तरीके से चोट लगी है। वो बैल हाईवे पे है ना, तो पीछे वाली टांग के ऊपर काफी बड़ा कट लगा है, पर उसको वो दो दिन से दिख नहीं रहा था, तो आज दिख रहे हैं, तो उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं। तो ये आदमी है ना, इन्होंने काफी रेस्क्यू करवाया हमें पहले ना, फोन करते थे, हनी नाम है उनका। होने वाला 5 मिनट में, तो बैठने का ट्राई कर ही रहा है, डायरेक्ट रस्सी डालते हैं। साइड जाओ, कौन सा लगा तो मारा है किसी ने, लग रहा है कट तो है, ये वायर कट तो नहीं है। नहीं नहीं, ये वो कहानी बता रहे थे कि 2-3 बैल है झगड़े कर रहे थे। अच्छा। उस समय बॉटल के ऊपर एक गिर के वो कट लगे, कांच की बॉटल। इतना डीप तो नहीं है, इतना ही है, हो जाएगा जल्दी ही। तो इसका नाम हमने गैंडा ही रखा है। आप ये देखो, इसने अपने पैदा होने के कुछ महीने तक थोड़ा बहुत दूध पिया, उसके बाद से पूरा पक्का वीगन है। और इसकी सेहत देखो, खैर एक सेकेंड, जो मूली को तुम लेके जा रही थी वापस ले आई हो, तुम बता के जाओ कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने। मेरी जगह आप भी होते तो आप इसे छोड़ नहीं पाते। चले कौन? चले मूली, गुड बाय मूली। इधर आई विश हम लोग इसके अडॉप्शन का ट्राई कर पाते, बस दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे अडॉप्टेबल्स और जगह नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इसके केयर टेकर्स काफ़ी अच्छे हैं। फाइनली उनका एड्रेस हमें मिल गया, नंबर तो उनका बंद आ रहा था, लेकिन अब हम इसको खुद जा रहे हैं ड्रॉप करने। मैडम सुमन, सुमन उल्टे रास्ते। बच्चे एयर भी तो लगाना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, और टाइम हो गया ना इसको इंजेक्शन लगे। मैं बता रही हूँ ना, नेचर फ्लेवर कैफे बोल के है ना, उसके सामने घर है इनका। एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, ये वही है। तीन पैर टूटा था अंकल उसका। छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, डाल दे। उधर है तो और क्या। चल हल्ला नहीं करेगी लेकिन गाड़ी में, मैं इसलिए खुद गई थी देखने की है कैसी जगह, और वहाँ पर दोनों से बात हो जाती है, केयरटेकर से बात हो जाती है। ये बार बार हमारे सामने ही रोड पे आना जाना, इधर उधर केयरलेसली एकदम भटक रही थी, बहुत ट्रैफिक है। ये हो जाएगी यार अडॉप्ट जैसे, एकदम रेशम की लच्छी जैसी। हम लोग तो हर किसी के लिए ऐसे सोचते हैं कि हो जाएगी। तो फिर वो जो पपीज है उनको अडॉप्ट करा लो, इसको यहाँ पे छोड़ लो, है ना। हाँ, क्योंकि इसके पैर कमजोर भी है, तो मेरे को थोड़ा तो जो लेगा भी मुझे नहीं पता वो ध्यान रख पाएंगे नहीं रख, मतलब तीन तो इसके पैर ऐसे है ना, और हमारे सारे ये फ्रेंडली है ना, दूसरे डॉग्स के लिए अग्रेसिव नहीं है। तो चंबी को छोड़ के हमारे सारे डॉग ऐसे ही हैं। चटोरी का भी एक दो पैर ऐसे हैं, स्पॉट के भी दो पैर के हैं, मैं तो कह रहा हूं एक दूसरे को। हां, लेकिन जिस तरीके से वो लोग छोड़ने आए थे, तब हमें बहुत बोला था ना कि नहीं हम रख लेंगे इसको, हम ऐसे कर लेंगे, तो कोई होता पता ही नहीं। लोगों की कहे की कोई गारंटी नहीं। हमारे लिए भी ये पहली बार है ना ये फॉर्मेट, तो हम भी ऑकवर्ड हो रहे हैं। तुम बोलो, पहले तुम बोलो, बोलो बताओ मूली का बताओ। क्योंकि मूली को तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए स्पॉट और चंबी के साथ, लेकिन उसके लिए अगर अडॉप्शन हो जाता है तो वही सबसे बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि एक एक करके हमने इतने सारे जानवर यहाँ पे इकट्ठे कर लिए कि हम बहुत बड़ी समस्या में आ गए हैं, जिसके बारे में आपको अपडेट के एंड में पता लग गया। अब चूजा अगर ठीक होता है वो भी फार्म पे रहेगा, पर इसकी नौबत शायद ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ काफ्स नहीं सर्वाइव करते। आप भी देखो ना, आप अपने बेबी को कोई अस्पताल में पलने के लिए छोड़ोगे नहीं। लेकिन होइस्ट कर देते हैं, अगर आपको खड़ा रखना है, धूप में थोड़ा देर होइस्ट कर देते हैं ना, तो अभी करवा रहे हैं। कुछ इसमें फ्लोर लगाना होगा तो फ्लोर लगा देते हैं पहले, फिर होइस्ट करते हैं।
ऐसे जोर जोर से मसाज करनी है इसको पूरी दोनों टाइम पे मैग वेली करता पूरी ऊपर तक ठीक है बच्चा ट्राई दो जा ठीक है बच्चा नादे सी दो जा बस उसी खड़े सावधान बस हो गया मैं थोड़ी देर बाद चेक कर लेना इसको ना ठीक है भाई हिप्पो जो हमारी क्यूटेस्ट पपी है जिसका काफी गंदा पेल्विक फ्रैक्चर था उसकी रिकवरी तो काफी सॉलिड हो रही थी पर उसको अब डायरिया हो गया इसको रोज ऐसे ही कराना पड़ रहा है डायरिया इसको थेरेपी के लिए लेके जा रही हूं जैसे उठाती हूं ये ऐसे कर देता पूरा और पूरे कपड़े खराब कर देता फिर मेरा क्या है इसीलिए हमने लंगी बांध रखी है ऊपर मां क्या कर रही है घूम के हूं मैं मैं तो मैं जो पकड़ हो गया थी मैं फिर बैठा रहता है ये चलता नहीं है थोड़ी एक्टिविटी करता रहे ना तो बात अलग है पहले ये खड़ा भी नहीं हो पाता था तो ये खुद से खड़ा हो के चलता भी है चलता फिरता रहेगा तभी इसकी बॉडी जो है वो खाना भी डाइजेस्ट कर पाएगी बेबी एनिमल चाहे कोई भी स्पीशीज के हो उनको संभालने में दिक्कत तो बहुत आती है इसलिए जो फिलहाल 3 बेबी किटन्स हमारे पास थी उनको हमने फार्म के ही एक कमरे में कैटरी बना के शिफ्ट कर दिया है ताकि उनको प्रॉपर स्पेस मिल पाए घूमने फिरने के लिए और वो इन्फेक्शन से एटलीस्ट दूर ये जो फार्म का एक कमरा है ये वर्क एक्सचेंज के हमारे पास 2 कमरे हैं भाई जिसमें वेट्स या फिल्म मेकर्स ग्राफिक डिजाइनर्स आगे हमारे साथ वर्क एक्सचेंज कर सकते हैं उसमें से एक इसकी बिलियों ने ले लिया है और अगर चुनमुन अडॉप्ट नहीं होता तो जो दूसरा कमरा है वो भी पपी इसको डेडिकेट हो जाएगा चले चलो अभी क्या है घर पे ऑलरेडी 3 एनिमल्स हैं इनको भी अच्छा खासा स्पेस चाहिए ताकि अब केज में तो रह रहे थे बड़ा ही केज था लेकिन सिर्फ मैं तभी इनको ओपन करती थी जब मैं खुद घर पे रहती थी इसलिए अभी इनके लिए सोचा कि थोड़ा सा अलग एक प्रॉपर रूम जरूरी है इसलिए हमारा पहला टेम्परेरी कैट रूम है ये कैटरी है पहली कहाँ बैठो दो तुम आज बच्चे उसमें से एक किचन में जो थोड़ा सा लंप करके चल रही है डॉग ने अटैक तो किया था उसकी वजह से हमने चेक भी कराया था थोड़े थोड़े एयर बबल्स फील हो रहे थे स्किन के ऊपर ना किसका है वो भाई साहब हम परेशान हो रहे हैं आप दोनों मोहतरम बैठे हो हैं बाहर निकलने के लिए Yes, my Chinnu is fast. Hi, Munchi. Chinnu, aja, aja, bichi. Leash. Very good. Ha ha. Kuch lati de. Sit. Down. Sit. High five. Nose. Yes, my girl.
ये सबसे स्मार्ट बच्चा है, सबसे स्मार्ट बच्चा, एकदम ए ग्रेड, ए प्लस, ए डबल प्लस। पो लेफ्ट, पो राइट, पो जानती, लेफ्ट, यस, राइट, राइट, यस। ओए सब याद है मेरे बच्चे को। सिट, स्टे, लुक, लुक, यस। With animals, with kids, I think she is wonderful. And she's like beautiful too. I can't wait until she's adopted. अगर आप adoptions करवाने के लिए हमारे साथ volunteer करना चाहते हैं तो प्लीज हमें WhatsApp करिए। हमारी सारी टीम तो यहाँ पे डायरिया निपटाने में ही व्यस्त है। विकी, विकी है। इसको भी लूज मोशन डायरिया है, तो खाना भी कम खा रही है, इसलिए हम फूड थेरेपी कर रहे हैं ताकि जो डिहाइड्रेशन से भी बचाव हो जाए इसका, और जो भी इसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो भी चला जाए, क्योंकि हम डायरिया रोकने के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं आईवी के रूप में ना। मैं कहता हूँ भूख नहीं लग रही, कोई बात नहीं, खाना नहीं छोड़ना, पर खाना छोड़ेगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। खाना खाना अच्छा था तो वही खाना। ब्रेन खाना नहीं खा रहा, कल भी खाना नहीं खाया था और परसों भी नहीं खाया था। कल दिन में रस तो उसने खाई थी, तो हमें लगा शायद शाम को खा लें, उसने शाम को फिर नहीं खाया खाना। तो अभी थोड़ी सी डिहाइड्रेशन है इसको, तो थोड़ा सा हम इसको फूड थेरेपी कर रहे हैं। आई होप ये सिंपल डायरिया ही फैल रहा है और किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम नहीं है। खैर भाई जी का जो तुम मुझे बता रहे थे यार, तुम बता दो सबको। जी भाई जी का जो फ्रंट लेग में वूंड है उसके लिए, वूंड प्लस फ्रैक्चर है, उसके लिए अभी हम प्लास्टर तो नहीं कर सकते क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा वूंड है, इसलिए हम स्प्लिंट के थ्रू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लेग पे स्प्लिंटिंग की गई है ताकि वूंड ठीक हो जाए, उसके बाद हम कुछ और देखें। लेकिन अगर वूंड ठीक नहीं होता तब तो हमें उसकी एम्पुटेशन ही करनी पड़ेगी। एलएस जी का जो हमारा हॉस्पिटल में, नए हॉस्पिटल में आने में उसको रखने का प्लान था, वो तो फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का एक्सपोजर है। लोग आउट पेशेंट भी ला रहे हैं, जो हमारा पीछे वाला काउ शेड है वो भी गांव के और जानवरों को एक्सपोज है। पर हम यहाँ के अपने सारे जानवरों को इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं, साथ ही साथ हमने जो स्किन इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ हैं वो स्टॉक कर ली हैं, एंटीबायोटिक स्टॉक कर लिए हैं, पेन किलर स्टॉक कर लिए हैं, और साथ ही साथ फ्लूइड्स भी। आपने मुझसे पूछा था ना कि उसको प्रेगनेंसी का क्या है अभी। हाँ। हमने अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था ना सर, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि एक बार इसका एक्सरे करा दो। है तो प्रेग्नेंट लेकिन कंफर्म हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आया, साहिल गया था साथ में, बोले कि प्रेग्नेंट तो है पर मतलब 6 महीने हो गए अभी, वो 5 दिन में डिलीवर कर दी थी। 5-10 दिन ही होता है, पर ये तो ज़्यादा ऊपर है ना, ज़्यादा ऊपर है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया क्यों नहीं, फिर अल्ट्रासाउंड निकले पिक्चर, तो फिर एक्सरे करा लो। एक्सरे तो चलो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है क्या, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ये पता करना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए पालमपुर भेज देते हैं। कल भेज देते हैं, कल सुबह भेज देते हैं सर। लेकिन इन द इंटरिम बेटी जी अपनी योगा प्रैक्टिसेस पूरी बरकरार रख रही है। मैंने आपको बताया था हम बहुत बड़ी समस्या में है, हमारे पास डॉग्स के लिए कुल 18 जगह है और इस समय हमारे पास 41 डॉग्स हो चुके हैं, क्योंकि क्लिनिक के अलावा हर घर में, हर कोने में हमने एक 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 डॉग रखा हुआ है। और इस समय अब हम पूरी तरह से डॉग रेस्क्यूज बंद कर रहे हैं, अनलेस यहाँ से कुछ डॉग्स अडॉप्ट हो हम डॉग रेस्क्यू दोबारा नहीं शुरू कर सकते। तो प्लीज़ अडॉप्शंस में हमारी हेल्प करने के लिए वॉलेंटियर करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम तेरे को धक्का दे देंगे, गिर देंगे तेरे को। हाँ मैंने किया वैसे तो, उठो उठो अरे, ये मेरे पैर पे पैर रखेगा ना, ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती। साहिल गुदगुदी कर इसको है? अभी तो अच्छा खासा खड़ा हो गया था, उनको मजे आ रहे हैं यहाँ पे। उठा, 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 उठा। ओके जी।